opposed. जिंदगी में अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा हौसला रहते हैं मेरे ख्याल में रसाई की के कम हो जाने का खतरा, ये तभी हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्रीपिंग कराई है ओवर द पास्ट अराउंड 30-35 years. हम फाके से बहुत डरते हैं, भूख से बहुत डरते हैं, का एक सबूत ये है कि हम ऐसे किसी भी ठिकाने पर चले जाएं जहां अल्लाह का कोई नेक बंदा बैठा है और वो खल्के खुदा के लिए दुआ कर रहा है. ये बहुत दिलचस्प स्टडी होगी अगर हम ऐसे ठिकाने पर कहीं जाके कोने में लग के खामोशी से बैठ जाए सर्दी के डर से. और लोगों के जो सवाल दुआ करने वाले के सामने आए, लोग जो उससे दुआ करने की फरमाइश करें, उन सवाल के जवाब की बैकग्राउंड आमतौर पर यही अंदेशा और खदशा होता है कि कहीं मेरे वसाइल छिन न जाए, मेरे वसाइल कम न हो जाए. लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसी हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम उम्मती भी हैं और आशिक भी हैं, जनाब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की से रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन मुसलसल रोटी मिली. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ रवायात हैं, मुख्तलिफ मौकों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूखा पेट अल्लाह की कुर्बत का बायस बनता है. मुख्तलिफ मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया उसका मफहूम ये है, लुबे लुबाब उसका जिस्म ये है कि भूखा पेट अल्लाह की मार्फत को पहुंचता है. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही बात कही कि भूखा नंगा रह के इससे रब की मार्फत हासिल होगी. बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं, बदकिस्मती से उनका नाम सबने ज़हन से निकल गया.
उन्होंने एक बात ये फरमाई कि मैं ये बेहतर समझता हूं कि रात को मैं एक नवाला कम खाऊं बजाय इसके कि मैं सारी रात नमाज पढ़ता रहूं। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक रवायत है कि एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया पेट को एक तिहाई हिस्से को बढ़ो भरो, पेट के एक तिहाई हिस्से को वन थर्ड उसको भरो और सेकंड वन थर्ड उसको पानी से भर लो और थर्ड वन थर्ड स्टमक में उसको खाली रखो। चंद हफ्ते पहले यहां गुफ्तगू के दौरान एक चीज सामने आई, लफ्ज इस्तेमाल हुआ फिर से दुआ। दस आलाइशें हैं उनमें एक आलाइश फिर से दुआ भी है। वो ये है कि जब इंसान का पेट भरा होता है, एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो पेट भरा होता है उससे मार्फत का नूर निकल जाता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम देखें, तो वहां वसाइल इंतहाई कम दिखाई देते न सिर्फ वसाइल बहुत कम है बल्कि लोगों की तरफ से जो तंग किया जा रहा है वो उतनी ही फरावानी से है। जिस चीज से हम खौफजदा होते हैं वही चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कसरत से है, न सिर्फ कसरत से है बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे प्यार किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशतर नमाज के बाद ये दुआ फरमाई है कि या अल्लाह मुझे कयामत के रोज मसाकीन के साथ उठाना। मजा ये है कि हम भूख से भी डरते हैं, हम वसाइल की कमी से भी डरते हैं और ख्वाहिश भी करते हैं कि हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, हर जगह मस्किन नहीं बनना चाहते और उसके बावजूद कम से कम मेरा दावा है ये तमाम काम करने के बाद कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार बहुत करता हूं। इंसान जिससे प्यार करता है उस शख्स को रोल मॉडल बना देता है, इंसान जिस शख्स से प्यार करता है अपनी आदत को उसकी आदत के मुताबिक ढाल लेता है, इंसान जिससे प्यार करता है उसकी छोटी से छोटी कही हुई बात को पूरा करके खुशी महसूस करता है।
لیکن میں ہر اس چیز کے خلاف کرتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری نہیں. میں زندگی قارون کی اور فرعون کی چاہتا ہوں، لیکن عشق کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتا میں یوں ہوں کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا. میرا کہنا یہ بھی ہے کہ میرا رب جو کرتا ہے وہ میرے لیے بہت بہتر کرتا ہے، لیکن چاہتا میں یہ ہوں کہ جو میرے دل میں خواہش ہے رب اس کے مطابق کرے. میرا کہنا یہ ہے کہ میرے رب نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور میرا ہر کام وقت مقررہ پر ہو جائے گا، لیکن چاہتا میں یہ ہوں کہ ادھر میرے دل میں ایک خیال آیا، ادھر میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، کام اگلے ہی لمحے. جب وہ کام اگلے ہی لمحے نہیں ہوتا تو میں دعا کرنے والوں کے پاس جا کے دعا کراتا ہوں کہ میرا کام میری خواہش اور چاہت کے مطابق فلفور ہو جائے. ان ادر ورڈز، میں سفارشیں پہنچانے لگتا ہوں رب کے پاس کہ میرا یہ کام کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں میرے دل میں، یا ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ، کہیں پر یہ بات ہوتی ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو میں چاہ رہا ہوں، وہی میرے حق میں بہتر ہے، تو میں اپنے ایمان کی نفی کر رہا ہوں. مجھ پر اگر کبھی ایک ذرا سی مشکل آ جائے، کبھی معمولی سی تندرستی آ جائے، تو میں صبح سے شام تک بجائے اس تندرستی اور اس مشکل سے محنت اور دعا کے ساتھ لڑنے کے بجائے، صدقہ اور خیرات سے لڑنے کے ذریعے لڑنے کی بجائے، دعا کرنے والوں کے پاس جا کے کئی کئی گھنٹے انتظار میں بیٹھ کے دعا کراتا ہوں. ایک دعا والے کے گھر سے نکلتا ہوں دعا کرا کے، تو دوسرے دعا کرنے والے کے ٹھکانے پہ جا کے میں پھر انتظار میں بیٹھ جاتا ہوں کہ دعا کر دیں میری یہ تندرستی فوری طور پر دور ہو جائے. اور کبھی کبھی میں خود اپنے آپ پر حیران ہوتا ہوں یہ بات دیکھ کر کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ جب رب تعالیٰ نے مجھے رزق کی فراخی عطا فرمائی، مجھے خوشحال کیا اور مجھے سکھ میں رکھا، تو کیا میں اسی شدت کے ساتھ لوگوں کے پاس گیا کہ ذرا دیکھو، دعا میں دیکھ کے بتاؤ مجھے کہ مجھ پر کس نے جادو کیا ہے کہ میں اتنا خوشحال ہوں اور اتنے سکھ میں ہوں؟ ایک دکھ پر اور ذرا سی تندرستی پہ میں جا کے لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ کسی نے مجھ پر کوئی جادو تو نہیں کر دیا، کوئی تعویذ تو نہیں کی جو میں تندرست ہو گیا. ایسے ہی بیٹھے ہوئے ایک دن خیال آیا مجھے کہ میری زندگی کا زیادہ سے زیادہ 10% ایسا حصہ ہوگا جب میں مشکلات کا شکار ہوا اور تندرستی کا شکار ہوا، باقی 90% آف مائی لائف کبھی میں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا آج تک کہ رب نے مجھے وسیع رزق عطا فرمایا ہے، میں
इस अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से थोड़ा सा हिस्सा किसी लेस फॉर्चुनेट आदमी के भी हाथ में दे और ये कह के रिजू के लिए तुम्हारा है मेरा नहीं, क्योंकि जो रिस्क मुझे रब ने दिया मेरा ख्याल है कि उसमें ये तुम्हारा हिस्सा मेरे पास आया हुआ है, ये तुम ले। और अगर वो शुक्रिया अदा करने लगे तो मैं बड़े हौसले से ही कह सकूँ और हुजूर से दिल से ही कह सकूँ कि भाई मेरा शुक्रिया अदा न करो, ये मेरा माल नहीं है, ये मेरे और तुम्हारे रब का माल है, इस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। यह आज तक नहीं कह सका, ऐसी एक दिन ख्याल आया चलते चलते, वो एक था मुझसे गाड़ी का शीशा नॉक करके एक रुपया मांग रहे, तो हंसबे मामूल मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि कमा लें मैं अपनी मेहनत की कमाई में से एक रुपया इसको दे दूं क्यों, वो तो मैंने मेहनत से कमाया। तो जब मैं वहां से चला तो बाद में ख्याल आ रहा कि कभी ऐसा हुआ ही इतनी लंबी उम्र गुजार दी, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आ जाए कि ये माल तो अल्लाह का दिया है, मेरा मेहनत कर तो कमाया है ही नहीं, मुझसे कहीं ज्यादा काबिल लोग दुनिया में जूते चढ़ाते फिरते हैं बेचारे, मुझसे कहीं अकलमंद लोग हुनरमंद लोग मुझसे कहीं ज्यादा तालीम याफ्ता लोग फिरते हैं। तो अगर मेहनत की कमाई होती तो मुझसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग मुझसे ज्यादा खुशहाल होते, एक उसने रब की नजर इनायत है कि उसने मुझे खुशहाल कर दिया है। ये ऐसी मेरे अपने ख्याल थे जो मैंने आप तक पहुंचा दिए, इससे इल्म तो है नहीं ना, इसका इल्म से ताल्लुक है न कोई, ये अच्छी बात थी जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसी बस आज दिल चाहा कि जो मेरे दिल में ख्याल आ रहा है मैं वो अर्ज करता हूँ आपसे, शायद इन्हीं ख्याल को सुन के मुझे कोई आप शरीफ आदमी तसव्वुर करने लगे। सरकार ने ये सवाल किया है मुस्तकिल मदाज में कमी का क्या इलाज है, आप खुदा के साथ ताल्लुक में कभी तो एहसास की उस मंजिल पर होते हैं कि वही नजर आ रहा होता है और सारे रास्ते रोशन होते हैं और फिर हालत बदल जाती है और अशकाल दुनिया में किसी न किसी दर्जे में इन्वॉल्व हो जाए, क्या करें कि मुस्तकिल मदाज हासिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खिलाफ फितरत दुआएं कबूल नहीं होती, जबकि इससे पहले ये फरमाया कि दुआ से तकदीर बदल जाती है। अब इन दोनों बातों को साथ साथ रख के अगर हम देखेंगे तो ये बात समझ में, दुआ से तकदीर बदल जाती है। दूसरे मौके पर फरमाया कि खिलाफ फितरत दुआएं कबूल नहीं होती, इंसान का अपना एक मजाज है, इंसान की एक फितरत है, इंसान की आदत है, इंसान की सोच है और सोच का ताल्लुक तरबियत से है, सोच का ताल्लुक तालीम से नहीं है बल्कि सोच का ताल्लुक तरबियत से है। इंसान का मजाज बदलता है उसकी सोच के साथ साथ। अभी कुछ देर पहले मैं भूख के सिलसिले में आपसे अर्ज कर रहा, अगर इंसान का पेट भरा हो तो उससे मार्फत का नूर निकल जाता है,
जब कभी इसी वजह से हमारी सोच में तब्दीलियां, क्योंकि भरा पेट गुनाहों की तरफ राग करता है इंसान, जब पेट भरा होगा हम गुनाह की तरफ राग होंगे, हमारी सोच बदल जाएगी, और जब हमारी सोच बदलेगी तो वो नुक्ता जिस पर पहले हमारी सोच मरकूज थी, रब सोच हट के गुनाहों पर गई, हमारी तोजो बट गई रब की तरफ, हमारा रजू कम हो जाएगा, और जब रजू कम होगा तो हमारी इबादत में खलल होगा उस सोच के लिए कि इबादत तो हम रब की कर रहे होंगे लेकिन जहन हमारा कुछ और सोचे सोच रहा होगा। नतीजा ये होगा कि वो जिक्र जुबान की नोक पर होगा, दिल में नहीं होगा, और जब जिक्र दिल में नहीं होगा तो खुशबू-खुजू खत्म हो जाएगा। जब खुशबू-खुजू खत्म होगा तो रास्ते अंधेरे दिखाई देंगे, रोशन नहीं रहेंगे, लेकिन ये इंसान फितरत में है। जैसे रब ने कहा कि हम लोगों के दरमियान दिलों को फेरते रहते हैं, इंसान के मजाज की कैफियत कभी एक सी नहीं रहती, उसकी सोचों का महवर कभी एक सा नहीं रहता, शिफ्ट होते रहते, सोच का महवर और मजाज की कैफियत भी ये बदलती रहती है, उसके बदलने के साथ साथ खुशबू-खुजू में कमी या ज्यादती होती रहती है, और खुशबू-खुजू में कमी या ज्यादती होने के साथ साथ ये कैफियत आती है जिसको आपने मुस्तकिल मजाजी का नाम दिया, मुस्तकिल मजाजी कंसिस्टेंसी एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। हम खुशबू-खुजू न होने के बावजूद अगर इबादत करते रहते हैं पहले की रूटीन के मुताबिक तो मुश्किल मजाजी है, अगर इबादत की तादाद में मिकदार में फर्क आ जाए, कभी ज्यादा कभी कम, कभी इबादत कर ली कभी छोड़ दी, ये गैर मुश्किल मजाजी हो जाएगी, लेकिन अगर इबादत जारी रही खुशबू-खुजू में कमी और ज्यादती होती रही तो मुश्किल मजाजी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और मुश्किल मजाजी, इन दोनों के लिए तीर बहादुर नुस्खा यह है कि सूरह बकरा के पहले 5 रुकू कसरत से पढ़ लिए जाए। जितनी कसरत से कोई शख्स उसे पढ़ेगा मुश्किल मजाजी और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसकी तह में जो चीज थी वो आखिर पर मैंने अर्ज कर दी, जो क्योंकि होता यह है कि मैं दुआ करने वाले के पास भी जाता हूं तो आमतौर पर मैंने कुछ चीजें रखी हुई हैं जो मैं उनसे गुफ्तगू करता हूं। मैं हमेशा उनसे जाके ये कहा करता हूँ कि 1857 की जो जंगे आजादी लड़ी थी मुसलमानों ने, उसमें मेरे परदादा ने रोल प्ले किया था, और वहां से परदादा से हिस्ट्री शुरू करता 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 45 मिनट के बाद अपनी जात तक आने पहुंचता हूँ, और फिर अपनी जात के बारे में उनसे बताता हूँ साबरी जंगी है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ अप्लाई कर रहा हूं, दुआ कर दीजिए मुझे नौकरी मिल जाए। तो जब वो कोई साहिब दुआ बेचारे दुआ कर देते हैं तो फौरन मैं कहता हूं कि ये बताइए कि मैं अगर इंग्लैंड का वीजा अप्लाई करूं तो वीजा मिल जाएगा,
और अक्सर बेशतर मैंने देखा दुआ करने वाले सर पीटने लगते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे तुमने ये घंटा ले लिया है, तुम्हारा असल मुद्दा यही था कि ये मुझे कह दो कि दुआ कर दीजिए कि मुझे जूते का बंदा मिल जाए। तो इसी तरह सवालात की तह में हमारे आमतौर पर एक ही मकसद होता है कि वजीफा बता दें। तो इसकी तह में जो कुछ है वो यही है कि साहब सूरह बकरा के पहले पांच रुकू अक्सर हैं इस मामले में, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होता है उससे और दूसरा मुस्तकिल मजाक याद है। लफ्ज़ और हर आयत
दुनियावी इल्मी जुबान में बात करें तो हर फिक्रा सेंटेंस, क्योंकि आयत इनफैक्ट कुरान का एक सेंटेंस है, उसका एक वज़्न है, उसका एक असर है। बुनियादी तौर पे वज़्न और असर ये हरफ का है, लफ्ज हरूफ का मजमुआ है और एक आयत मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ है। उसमें अगर हम उसे एनालाइज कर लें हरूफ की सूरत में जैसे ये आयत करीमा है ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक, अब लफ्ज जो है ला लाम अलिफ ये दो हरफ है, इल्ला इसमें अलिफ लाम अलिफ हे ये हरूफ है, उनका ये मजमुआ है। उस लफ्ज की असर आफीनी, उस लफ्ज का वजन मकाम उसके हरूफ पर है कि उसमें कौन से हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। जैसे ला है इसमें, इस आयत में, आयत कलिमा में, अब इसमें ये पहले जो ला इस्तेमाल हुआ इसमें दोनों ही हरूफ हरूफ मक्ताद से हैं, ला और अलिफ। जिन हरूफ से मिलकर लफ्ज बना है उसका वजन, वजन में दुनियावी सेंस में नहीं कह रहा उसके असर के बारे में, ये तसव्वुफ में ये लफ्ज ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, उसका वजन और उसका असर वो इस पर मुनहसर होगा कि उसमें हरूफ कौन से इस्तेमाल। तो हम कोई सा भी लफ्ज पढ़ें जिक्र के तौर पर, कोई हर्फ पढ़ें, कोई आयत पढ़ें, कोई सूरा पढ़ें, तो उसका असर आएगा। वजीफा क्या है? किसी भी चीज को एक वक्त मुकर्रा पर मुकर्रा तादाद में बाकायदगी के साथ अदा करने को वजीफा कहते हैं। हम रोजाना दफ्तर जाते हैं, एक वक्त पर जाते हैं, एक वक्त पर वहां से उठाते हैं, यह हमारी रोजी का वजीफा है। तो वजीफा उसको हमने बतौर टर्म जब एडॉप्ट किया है तो वो हम जिक्र में जो कुछ बतौर जिक्र बाकायदगी से एक खास वक्त पर खास तादाद में पढ़ते हैं तो वजीफा कहलाता है। ये टर्म के तौर पर इस्तेमाल हो गया तसव्वुफ में। तो कोई भी जिक्र जिसको हम पाबंदी के साथ करेंगे उसके असरात इंसान पर मरतब होंगे, इंसान की एनाटॉमी पर भी मरतब होते हैं, इंसान की फितरत पर भी उसके असरात मरतब होंगे, इंसान के मजाज पर भी उसके असरात मरतब होंगे और इंसान की आदात पर भी असरात मरतब हो जाएंगे। उसके उससे मुफर मुमकिन ही नहीं है, हम उससे बच ही नहीं सकते। सब में सेफ और सब में आला रास्ता और अल्लाह तक पहुंचने का शॉर्टकट कुरान पाक की कसम से तलावत कर लिया है।
हमारे लिए मजबूरी हो जाती है कि हम जब जॉब पर हैं हम भगवत कुरान पाक सामने खोल कर रख नहीं सकते, लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि हम में से हर मुसलमान, चाहे वो मुझ जैसा गया गुजरा मुसलमान क्यों ना हो, कई एक सूरतें हमें जुबानी याद होती हैं कि हम नमाज में पढ़ते हैं। तो जब हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां कुरान पाक खोलकर नहीं पढ़ सकते, तो हम वो सूरतें तलावत करते रहें दिल में। ये अल्लाह तक पहुंचने का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। इसके कहीं हमें इसका लैशबैक नहीं आएगा। ये सब फायदे का सौदा है। एक और सवाल ईमेल के जरिए से आया हुआ है। इंसुरा कहा, हज़रत ज़ुल्कर्नैन जर्नीज़ आर मेंशन्ड, आई एम पॉन्डरिंग ऑन दीज आयात फॉर ओवर 15 इयर्स, इट अपीयर्स दोज वर इंटरप्लैनेटरी जर्नीज याजूज माजूज आर ऑन सम अदर प्लैनेट बट विल लैंड ऑन प्लैनेट अर्थ नियर द एंड टाइम, विल अप्रिशिएट योर कमेंट्स ऑन दिस थ्योरी। साहब, ये जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वो जर्नीज इसी प्लैनेट अर्थ ही पर थे, ये इंटर प्लैनेट जर्नीज नहीं थे। याजूज माजूज का वजूद भी इसी प्लैनेट पर है, अगर आप पसंद करें मुझे ईमेल दोबारा से एक भेज दें तो मैं इसको नहायत तफसील के साथ बयान कर देता हूँ कि याजूज माजूज असल में क्या थे, कहाँ हैं, नए सिरे से वो किस तरह से सामने आएंगे, और हज़रत ज़ुल्कर्नैन कौन थे, इनके मकसद जर्नी किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हुए, इस सब मैं नहायत तफसील से बता दूंगा, लेकिन उसमें दो संडे गुजर जाएंगे तफसील करते करते। अगर जिन्होंने सवाल किया है वो ये चाहते हैं कि इसको मैं बयान कर दूँ तो मुझे ई मेल भेज दीजिए, मैं उनके खास के इकराम में इंशाल्लाह जरूर जो जानता हूँ मैं बयान कर दूँगा। ये साहब सवाल है, एक मशहूर कौल है कि बेअदब का सच कुफ्र होता है और अदब का झूठ भी ईमान होता है। बदकिस्मती से मेरे इल्म में नहीं है, मैं तो सीधे साधे ईमान का आदमी हूं। सच कर चाहे कोई काफिर ही क्यों ना बोले, वो सच है, और झूठ कोई मोमिन भी बोले तो झूठ है, वो बातें है। अदब और बेअदबी मेरी सोच के मुताबिक ना सच की असलियत को बदल सकती है ना झूठ की बातें की असलियत को, बेअदबी और अदब बदल नहीं पाएगा। मैं जो जानता हूं ये कि सच सच ही रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। रह गया इनके सवाल का दूसरा हिस्सा कि इससे हम क्या सीख सकते हैं, हमें क्या सबक मिलता है। तो मेरी गुजारिश इस सिलसिले में ये है,
qui se méritent. D'avoir perdu ce système, dans la même chose, जहां भी जाएगा, जिस शख्स के पास भी जाएगा, अपने अदब और अपने गुड मैनर्स और बेहतर एटिकेट्स की वजह से दूसरे के दिल में घर बना लेगा। और जिस आदमी के घर में किसी के लिए जगह बन जाए, वो शख्स उसे कुछ भी देने को तैयार होता है। सबसे अजीज चीज इंसान को आला चीज इल्म होती है। तो जिसके दिल में आपके ये जगह बन गई, वो शख्स आपको इल्म देगा। और जिस शख्स के पास इल्म आ जाए, उसे फहम व फरासत मिलती है। और जिस शख्स को फहम व फरासत अता हो गई, उसकी तकदीर समझ जाती है, यहां भी और आखिरत में भी। और जो लोग बेअदब हैं मेरी तरह के, गुस्ताख हैं, जिनको मेरी तरह जुबान पर काबू नहीं है, लोग उनसे दूर भागते हैं, अपने करीब नहीं आने देते। और जब किसी को कोई करीब नहीं आने देता, तो वो उससे सीख भी कुछ नहीं सकता। तो यूं उसको बेनसीब कहा गया। हमने किसी से कुछ ना भी सीखना हो, अदब, मैनर्स और एटिकेट्स अगर ये हमारे अच्छे हैं, तो हम वैसे ही दुनिया में पसंदीदा आदमी होंगे सबके। हर आदमी बड़ी खुशी से हमारे करीब आएगा, बहुत चाहत से मिलेगा। दो रोज पहले किसी मामले में अपने बेटे से बात कर रहा था, मैंने उससे कर्ज की रूहानियत और दूसरे अलूम तो मैं नहीं सीख सका, लेकिन जादू का एक लफ्ज मैंने जरूर सीखा जिंदगी में। और अगर मैं खुद नहीं सीख पाया, तो कम से कम जादू के उस लफ्ज से वाकफियत। और वो जादू का लफ्ज ऐसा है कि वो खुलगा समसम का नेमर बदल है। जैसे शख्स को जादू का ये लफ्ज मिल गया था, खुलगा समसम, तो उसके लिए दरवाजे खुल जाते थे। इसी तरह जादू का एक लफ्ज मेरे इल्म में भी आ गया कि वो खुलगा समसम का नेमर बदल है, वो है सर। जब हम किसी को सर कहकर पुकारते हैं, तो वो ख्वाखा में ऐसी शख्सियत मुखोज हो जाता है जिसने उसे सर कहा। और मुझे ऐसा कमजोर इंसान तो बिल्कुल ही खड़ा हो जाएगा और सब काम छोड़कर उस सर कहने वाले से कहेगा कि हम फरमाइए, और काम नहीं करना तो भी कर देगा। हमारे कुछ कॉलीग्स जो बड़ी तेजी से आगे बढ़े, वो कमाल करते थे। ये बेटे मैं बता रहा था ये अपने मिसाल कि वो सेंटेंस के शुरू में भी सर लगाते थे और एंड पर भी सर लगा देते थे। उन कॉलीग्स को मैंने कभी अपने सीनियर्स के सामने ये कहते नहीं देखा कि राइट सर, ठीक है। उनसे अगर कहा कि भाई आप वहां फला जगह चले जाइए, काम कर लें, सर भाई बैठ जाओ, सर कान पकड़ लो, सर, वो जवाब में कहते ही सर थे।
बड़ी तेजी से तरक्की कर गए। तो ये जो जादू का लफ्ज मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, ये भी अगर क्या आप दूसरे को इज्जत देती है, उससे बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। ये अदब भारत कमाल की चीज है। दुआ कीजिए कि मैं भी इस आखिर उम्र में ही सही लेकिन बाद हो जाऊं। सवाल नहीं, कुर्बानी देने वाले शख्स के लिए ज़ेल हज का चांद देखने के बाद नाखून बाल न कटवाने में क्या हिकमत है? बात यह है कि कुर्बानी इस्लाम की 23वीं रूह है और हज 22वीं। इस्लाम में उलेमा ने रूहे इस्लाम के नाम से मुख्तलिफ उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए और लोगों को रागब करने के लिए इसको इस तरह भी बयान किया है। तो इस्लाम में कुर्बानी को 23वीं रूह कहा जाता है, उलेमा ने कहा है, और हज को 22वीं। हज में हम जब एहराम बांध देते हैं तो फिर हम ना चेहरे पर कपड़ा लगाते हैं ना बाल तोड़ते हैं, हम ना ही जख्म वगैरह हम लगाते हैं। और क्योंकि कुर्बानी उसी का रुकन है हज का, तो लोग जो हज के लिए तो जा नहीं सकते लेकिन कुर्बानी करते हैं, तो वो ये जो शराइत हैं एहराम वो कुर्बानी में भी पूरी कर लेते हैं। खाल को न छीलो, बाल न कटवाओ, नाखून ना सुखवाओ, जो उसको आजकल फसल खुलवाना उसको कहते हैं, उसके लिए हजामा अरबी में लव हजामा इस्तेमाल होता है। हजामा नहीं करना है, झोंके नहीं लगवाए, वो शरायत कुर्बानी के लिए आयत हो जाती है। तो हम उसकी पाबंदी कर लें, वो क्योंकि इसका ताल्लुक कुर्बानी का हज के साथ मुंसलिक किया हुआ है, कुर्बानी के लिए कुर्बानी हज ही का एक रुकन, वहां उसके बगैर हज होता नहीं। तो इसलिए हिकमत यह है कि उससे उससे नस्बत पैदा कर देते हैं। क्या नमाज ईद से पहले कुर्बानी की जा सकती है? नहीं, कुर्बानी के लिए शर्त यह है कि नमाज ईद अदा की जाए, उसके बगैर कुर्बानी नहीं होगी। किसी धार में इन्हीं साथ में एक और सवाल पूछा है कि क्या किसी शख्स की तारीख पैदाइश के आयदाद और नाम के आयदाद के मुताबिक उस शख्स के लिए खुशकिस्मती का बायस होती है और नाम तब्दील करने से इंसान की किस्मत पर असर पड़ता है? बहसियत मुसलमान मेरा ईमान ये है कि मेरी तमाम की तमाम बागडोर मेरे रब के हाथ में है।
اور رب کا فرمان یہ ہے کہ میں مزدور پر کوشش کروں. یہ دنیا عالم الاسباب ہے, کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے. یہاں کامیابی کوششوں سے مشروط ہے. اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ رب سے مدد کی درخواست دعا کے ذریعے ضرور کی جائے, کامیابی کی درخواست رب سے ضرور کی جائے. باقی کون سے آیام ساتھ ہیں اور کون سے محض, وہ مسلمان کا ایمان نہیں ہے. مسلمان کے ایمان کے مطابق سب ایام اور سب گھڑیاں رب کی بنائی ہوئی ہیں. کامیابی اور ناکامی دینا رب کے اختیار میں ہے. نہ کوئی سات گھڑی میرا کچھ سنوار سکتی ہے, نہ کوئی محض گھڑی میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے, اگر میرا رب نہ چاہے. اسی طرح نیومرولوجی یا علم الاعداد بطور علم تو ہے وہ, جیسے جیوگرافی ہے, ہسٹری ہے, میتھمیٹکس ہے, ارتھمیٹک ہے, الجبرا ہے, سو آن سو فورتھ. اس کو تو میں مانتا ہوں کہ یہ علم ہے, نیومرولوجی علم الاعداد, لیکن اس پر ایمان نہیں ہے میرا کہ یہ کچھ میرا سنوار سکتا ہے, یہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے. ناموں کی جہاں تک بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام اچھے معنی والے رکھو, اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, پرسنالٹی پر یقیناً ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ قسمت بدل دے یا کامیابی اور ناکامی کا باعث بن جائے, یہ بطور مسلمان ہمارا ایمان نہیں ہے. کامیابی اور ناکامی سب من جانب اللہ ہے. رب سے دونوں ہی چیزیں ملتی ہیں, اس میں شک نہیں. کامیابی اور ناکامی وہیں سے ہے, لیکن رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھا جانا چاہیے. تو خود رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو, میں اچھا ہی کروں گا. تو رب سے اچھے گمان رکھیے, ان کو بطور علوم تو اسٹڈی کر لیجیے, بطور علوم تو دیکھ لیجیے, ایمان نہ رکھیے گا اس پر. یہ مسلمان کے لیے منع ہے. یہ سوال ہے کہ حضرت سخی سلمان نوری حضوری بلوالی, آپ نے 905 کی سات پشتیں بلی کر دی تھی, کیا ایسا ممکن ہے؟ سخی سلیمان کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے. سخی سلیمان صاحب بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں, ولی اللہ, بہت بڑے ولی اللہ. آپ کا تعلق سلسلہ ہے نقشبندیا سے ہے. ہمیشہ ایک چیز میں عرض کیا کرتا ہوں کہ الفاظ پر نہ جائیے, الفاظ کی روح پر جائیے. لیکن ہم الفاظ پر زیادہ زور دیتے ہیں. جب ہم کسی شخص کو اتنا علم عطا کر دیتے ہیں کہ وہ علم سے سپل اوور ہونے لگتا ہے,
इल्म उस फिजा से बाहर छलकने लगता है। तो अगर कोई वली ये कह दे कि मैंने इसको इतना इल्म दे दिया है कि इसकी साथ आने वाली साथ पुश्तें वली हो जाए, तो वो इस्तारा है, वो इतना इल्म है तो खत्म नहीं होगा और वो अपनी आगे नस्लों को देता रहेगा, जेनेटिकली ट्रांसफर होता रहेगा। तो इस्तारे के तौर पर ये मैं तो इसको इतना दे दिया, जैसे कहा जाता है कि उस शख्स को अल्लाह ने इतना रिस्क दिया तो उसकी साथ पुश्तें संवर गई, कोई सारा है। आमतौर तो होता यह है कि ऐसे शख्स की अगली ही नस्ल उजाड़ देती है सब कुछ, तो इस तारे के तौर पर ये कहना साथ मैंने तो इसकी अगली साथ पुश्तें तक वली बना दी, तो इस तारा है। और ये अकराम इल्म और एमाल की बुनियाद पर बनते हैं, अता से नहीं। इनका पांचवा सवाल यह है कि सूरतुल हदीद के फजाइल खास बयान करते हैं, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट संडे सूरत सूरह हदीद पर बात करना, नेक्स्ट संडे तो शायद ईद है, उस नेक्स्ट संडे सूरह हदीद पर इंशाल्लाह बात होगी। बाकी कुछ और सवाल आपकी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके लिए ईद उल अज़हा मुबारक करिए इंशाल्लाह। ईद के बाद आने वाली संडे आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।